डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट है, राष्ट्रपति के तौर पर उनके शपथ ग्रहण में अभी वक्त है, लेकिन कुछ उनके ऐसे फैसले हैं जिससे कुछ देश परेशान हो रहे हैं। मसलन अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तौर पर माइकल वॉल्स की नियुक्ति। ये वही शख्स हैं जिन्होंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी संसद में भाषण दिया था तो उसका प्रस्ताव रखा था। ये पहले भी पाकिस्तान को लताड़ चुके हैं। अब पाकिस्तान और चीन जैसे जो देश हैं वो पहले ही मोदी और ट्रंप की दोस्ती से परेशान थे, अब वॉल्ट्स की नियुक्ति से वहां पर हड़कंप है। मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की करीबी दोस्ती से पाकिस्तान घबराया हुआ है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि उस पर हमेशा सख्त रहे ट्रंप उसका क्या हाल करने वाले। ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान ने मान लिया कि उसे अब अमेरिका से कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के नाम ने उसकी नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सांसद माइक वॉल्ट्स को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाने का फैसला किया। माइक वॉल्ट्स भारत के प्रति प्रेम और पाकिस्तान चीन के प्रति आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए पाकिस्तान की हवाइयां उड़ रही हैं कि कहीं अमेरिका के नए NSA उस पर आने वाले दिनों में प्रतिबंध न लगा दे। पाकिस्तान को चिंता क्यों सता रही है, उसकी कहानी की शुरुआत भारत से शुरू होती है जब स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माइक वॉल्ट्स भारत आए थे। माइक वॉल्ट्स ने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान में आतंक को पनाह देने के मुद्दे पर कहा था, मैंने अपने पाकिस्तानी समकक्षों से कई बार कहा है कि आतंकवाद विदेश नीति का साधन नहीं हो सकता, चाहे वो लश्कर ए तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो या फिर कोई दूसरा आतंकवादी समूह, ये अस्वीकार्य है। पाकिस्तानी सरकार और सेना को इस पर सोचना होगा और आतंकवाद को एक साधन के रूप में उपयोग न करने के लिए दबाव डालना जारी रखना होगा। यही वो बात है जो अब पाकिस्तान को सोने नहीं दे रही, क्योंकि मसूद अजहर से लेकर हाफिज सईद तक खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे हैं। बाइडेन प्रशासन इस मामले में पाकिस्तान पर नरम रहा, लेकिन ट्रंप के साथ ऐसा नहीं है, जो पहले भी पाकिस्तान को आतंकवाद पर खूब खरी खोटी सुना चुके हैं। ये ट्रंप ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर लगाम लगाई। इसके बाद से ही पाकिस्तान की हालत खराब होने लगी और अब पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर ट्रंप मोदी की जुगलबंदी से लग रहा है। पाकिस्तान का ये डर सच भी है, क्योंकि ट्रंप ने जिस NSA को चुना है वो भारत की शान में कसीदे पड़ चुका है। India truly has become a global leader. It was also incredible to hear him lay out a vision for India to be a fully developed nation. पाकिस्तान को डर है कि आतंकवाद से यारी उसे ट्रंप सरकार में बहुत महंगी पड़ने वाली है। हर आतंकी कार्रवाई पर जवाब देने के पक्ष में ट्रंप भारत के साथ खड़े होंगे। ट्रंप के पास अपना मिशन पूरा करने के लिए सिर्फ 4 साल बचे हैं। अमेरिकी नियम के मुताबिक वो अब आगे राष्ट्रपति नहीं बन पाएंगे, इसीलिए चाहे आतंकवाद हो या फिर चीन पर लगाम कसना, उनके पास सभी वादों को पूरा करने के लिए सीमित समय है। पाकिस्तान के खिलाफ ट्रंप की तरह वॉल्ट्स भी काफी मुखर रहते हैं। वो अमेरिकी संसद में भारत की आवाज बुलंद करने के लिए भी जाने जाते रहे हैं, इसीलिए पाकिस्तान की नींद उड़ना तो बनता है। माइक वॉल्ट्स 3 बार के रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं, वो ट्रंप के कट्टर समर्थक हैं। और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि लगभग 2 साल पहले चीन में जब विंटर ओलंपिक्स हो रहे थे तो उसके बहिष्कार का कॉल दिया था माइक वॉल्ट्स ने ही, क्योंकि COVID-19 का मुद्दा उन्होंने उठाया था और साथ ही चीन में जिस तरीके से उइगर मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा था वो मुद्दा उठाया था और इसी के आधार पर कहा था कि विंटर ओलंपिक्स का बहिष्कार चीन में किया जाए। इसके साथ ही ईरान को लेकर भी उनके बहुत कड़े विचार हैं। ट्रंप ने जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार चुना है वो चीन ईरान विरोधी और भारत समर्थक माने जाते हैं। माइक वॉल्ट्स चीन पर अमेरिका की निर्भरता कम करने से जुड़े कई विधेयकों का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन अमेरिकी सेना की स्पेशल यूनिट फोर्स में ग्रीन बेरे कमांडो रह चुके और तालिबान के साथ अफगानिस्तान में जंग लड़ चुके माइक वॉल्ट्स ईरान को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है और ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए सख्ती करने के समर्थक है।
माइक वॉल्स ने इससे भी बड़ी बात आगे कही और ईरान को एटम बम बनाने से रोकने के लिए किसी भी इजरायली कार्रवाई का समर्थन किया। अब माइक वॉल्स की नियुक्ति का असर कहें या फिर कुछ और, इसराइल ने ईरान को खुलेआम धमकी दी है। इसराइल के नए रक्षा मंत्री ने सेना के जनरल स्टाफ के साथ पहली बैठक ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की सीधी चेतावनी दी। इसराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास अपना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल करने का मौका है और हम इसराइल के अस्तित्व को जो खतरा है उसे नाकाम और खत्म करने के बेहद करीब। इसराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यही सही समय, क्योंकि इसराइल ने पिछले हमले में रूस से मिला एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया और ईरान पर हमला हुआ तो अब उसे कोई नहीं बचा सकता। ये वही इसराइल है जिसे जो बाइडेन ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला न करने के लिए मनाया था। ईरान के फोर्दो परमाणु संयंत्र को लेकर खबरें आई कि वहाँ यूरेनियम का संवर्धन 60% शुद्धता तक किया जा रहा है, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक स्तर के बेहद करीब। ये ठिकाने इसराइल के तेल अवीव से 1800 किलोमीटर दूर, साथ ही इसे पहाड़ों के भीतर बनाया गया है जहाँ ये हवाई हमलों से सुरक्षित। एक और बड़ी बात आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही यहाँ भूकंप की खबरें आई थी। ये अनुमान लगाया गया था कि शायद ईरान ने परमाणु विस्फोट कर बम बनाने की तैयारी को आजमाया। हालांकि इस इलाके में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, लेकिन आज से कुछ महीने पहले अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा था कि ईरान परमाणु बम बनाने से कुछ ही हफ्ते दूर है। ट्रंप अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के लिए ईरान को जिम्मेदार बता चुके हैं। ईरान को लेकर ट्रंप सख्त रहेंगे, इसमें किसी को शक नहीं, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला दुनिया को एक नई और बड़ी जंग धकेल सकता है। ट्रंप की चर्चा आजकल पूरी दुनिया में हो रही है किसी न किसी कारण से। अब उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से फोन पर बातचीत की, वो भी खूब वायरल हो रही है। दरअसल इसे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने ही खुद सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वो ट्रंप को सर सर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आई वुड लाइक, इफ पॉसिबल आई वुड लाइक टू कॉल पर्सनली ऑन यू, wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Oh, that's so nice. Well, we'll do that anytime you want, but great job you're doing in Indonesia. Great job. Proud of you. Sir, I... Amazing. And your English is so good. Yes, sir, I've been... Very good, the English. All my training is American, sir. Ah, that's great. we had a great election in the U.S. We had a great election. It's amazing what happened. We had tremendous success, the most successful in over 100 years, they say, and it's a great honor. So it gives me a very big mandate to do things properly. And of course, we were all shocked when they tried to assassinate you, but. We are very happy that the Almighty protected you, sir. Yes, I got very lucky. I just happened to be in the right place in the right direction. Otherwise, I wouldn't be talking to you right now. I got quite lucky, actually. Yes, sir. And somebody was protecting. Somebody was protecting me, I guess. Yeah. How are you doing? Everything good? Yes, sir. Everything good? Yes, sir. And I also had the honor of hosting Mr. Jared Kushner, and I hope to keep in touch with him again. That's good. Well, whenever you're around, you let me know, and I'd like to also get to your country sometime. It's incredible. The job that you're doing is incredible. Thank you, so sir. Respected. You're such a respected. You're a very respected person. Sir, and I give you credit for that. It's not easy. Thank you, sir. It's not easy. I'll try to call on you at your convenience, sir, if it's possible. Yes, sir. Yes, you call anytime you want. You have my number. This is my number. Thank you, sir. And you call anytime you want. It's my great honor to talk to you, and I'll see you soon. I look forward to see your people, to the people of Indonesia, my regards. That I have great respect for them and for you, okay? Thank you, sir. Thank you, sir, Mr. President. Thank you, sir. Okay.